वीडियो ट्यूटर के आज के सेशंस के अंदर हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं होम टैब सेल्स ग्रुप का फॉर्मेट कमांड। ये कमांड का यूज है चेंज द रो हाइट और कॉलम विड्थ, ऑर्गेनाइज सीट और प्रोटेक्ट और हाइड सेल रो और कॉलम। यानी कि अगर आपको ये रो को हाइड करना है या आपकी जो रो की हाइट है इसी को इंक्रीज डिक्रीज करना है तो आप लोग ये सारे कमांड यहां से अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम अभी क्या करते हैं, देखो हमारे पास ये रो है ना, तो ये रो को हम लोग वैसे सिलेक्शंस में ले लेते हैं। अगर आप लोग सिलेक्शंस में लेते नहीं है तो आप लोग वैसे ये आपका जो सेल पॉइंटर है वहां पर आपको प्लेस कर देना है और यहां पर आप लोग क्लिक करें, यहां पर आपको बहुत सारे कमांड देखने को मिल जाएंगे। ये सारे कमांड की प्रैक्टिस आज हम लोग ये वीडियो ट्यूटर के अंदर आपको सिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले ध्यान से देखना रो हाइट, तो आपकी जो रो हाइट है सेल की रो की तो वो है 15, तो ये डिफॉल्ट विड्थ है। तो आप लोग यहां से रो की हाइट अगर इंक्रीज डिक्रीज करनी है तो कर सकते हैं। देखो हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा हेडर रो है इसी को सिलेक्शंस में ले लेते हैं, और अगर सिलेक्शंस में लेते नहीं है तो भी चलेगा, आपका सेल पॉइंटर यहां पर सिर्फ आपको प्लेस करना होगा और यहां पर रो हाइट है तो यहां पर अभी 50 है। आप लोग चाहे तो ये यहां से 50 के जगह बजाय 25 भी कर सकते हैं। तो यहां पर अब ये जो रो है उसी का हाइट क्या हो गया है 25 हो गया है। तो वैसे आप लोग किसी भी रो की हाइट चेंज कर सकते हैं। फिर से आप लोग फॉर्मेट के अंदर जाइए और अगर किसी रो की हाइट ज्यादा है और आपको वापस वो 15 कर देनी है या ऑटो फिट, यानी कि आपके पास जो डेटा है इसी के हिसाब से अपने आप ये ऑटो फिट हो जाएगा, तो इसीलिए आप लोग ऑटो फिट रो हाइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो अपने आप वो जो डेटा है इसी के आधार पर ये रो की हाइट हो जाएगी। तो अभी ये जो हमारी रो है इसी का हाइट क्या है, देखो 15 है, तो ये 15 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मेरे वीडियो ट्यूटर को पॉज करो और आप भी आपकी रो की हाइट और इंक्रीज या डिक्रीज जो मैंने अभी आपको करना सिखाया है ये प्रैक्टिस पूरी कर ले। और यही प्रैक्टिस आप लोग ये जो आपका माउस पॉइंटर है ये जो आपकी रो की एज है वहां पर आपको प्लेस करना होगा। यू विल सी ए टू हेडेड ब्लैक एरो, तो जैसे आप लोग यहां पर क्लिक करेंगे और आपका माउस ऊपर या नीचे मूव करेंगे तो आपकी जो रो है उसी की हाइट इंक्रीज हो जाएगी, और अगर आपको डिक्रीज करना है आप लोग क्लिक करेंगे तो वैसे भी ये हाइट आप डिक्रीज कर सकते हैं। और ये जो हाइट है वो भी आप लोग ये बाजू में देख सकते हैं, देखो ये मेरा माउस पॉइंटर है अभी, तो यहां पर आपको दिखाई देता है कि आपकी जो रो है इसी की हाइट अभी कितना है, तो ये 30.75 है। देखो यहां से ध्यान से देखना ये मेरा माउस पॉइंटर है ना, तो आप लोग वैसे भी ये इंक्रीज डिक्रीज करवा सकते हैं। और सबसे आसान रास्ता क्या है, देखो यहां पर भी क्लिक करेंगे, यहां पर भी आप लोग क्लिक करेंगे रो हाइट में जाएंगे और अभी 31.5 है, आप लोग डायरेक्टली 50 या टाइप करके भी ये एग्जैक्ट यहां पर ला सकते हैं। इसी के आगे अगर आपको ये जो आपकी कॉलम है ये कॉलम की जो विड्थ है वो भी इंक्रीज डिक्रीज करना है, तो आप लोग ये जो माउस पॉइंटर है आपका, देखो अब ध्यान से देखो यहां पर ये जो कॉलम है तो हमने कॉलम की जो एज है वहां पर हमारा माउस पॉइंटर प्लेस कर दिया, तो यहां पर भी आपको टू हेडेड एरो ब्लैक कलर का स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल जाएगा। यहां से आप माउस क्लिक करेंगे और आपका माउस लेफ्ट या राइट अगर आप लोग घुमाएंगे तो आपकी कॉलम की विड्थ इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगी, और आपकी जो कॉलम की विड्थ है ये भी आप लोग यहां पर देख सकते हैं। देखो यहां पर ये जो मेरा माउस पॉइंटर है तो अभी हमारी कॉलम की विड्थ है 16, आप लोग चाहे तो ये वैसे भी आपकी कॉलम की विड्थ इंक्रीज या डिक्रीज करवा सकते हैं। तो आप लोग इस और भी हमारे पास एक वे है, देखो यहां से ध्यान से आपको जाना है फॉर्मेट में और यहां पर ये जो कॉलम विड्थ है वहां पर क्लिक करेंगे तो कॉलम का विड्थ आप लोग इंक्रीज डिक्रीज करवा सकते हैं। यहां पर आपको कोई वैल्यू टाइप करनी होगी, यहां से अगर आपको ये जो कॉलम की विड्थ है वो अगर 14 की करनी है तो 14 बराबर है, तो ये 14 आपको लिखना है और ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो कॉलम की विड्थ वैसे डिक्रीज हो जाएगी और आपने जो दिया है वैल्यू वो हो जाएगी। तो ये भी आप लोग कर सकते हैं। और भी यहां पर एक आसान रास्ता है आपके पास, तो क्या करना है आपको, जैसे आप लोग ये जो आपकी कॉलम है तो ये जो इसका डेटा है ये जो कंटेंट है इसी के आधार पर ये कॉलम की आपको विड्थ
एडजस्ट करनी है, तो आप लोग ये जो आपका माउस पॉइंटर है वहां पर आपको प्लेस करना होगा और यहां पर आपको दो बार क्लिक करना होगा। देखो ध्यान से, दो बार। जैसे आप लोग दो बार क्लिक करेंगे तो आपका जो डेटा है इसी के आधार पर ये कॉलम की विड्थ एडजस्ट हो जाएगी। तो आप लोग यहाँ पर क्लिक करते देखो तो यहाँ पर एवरेज, तो ये थोड़ा ज़्यादा है इसलिए ये इंक्रीज हो गया है। तो आप लोग वैसे भी ये कमांड की प्रैक्टिस करवा सकते हैं जैसा मैंने अभी आपको वीडियो ट्यूटर के अंदर बताया है। इसी के आगे आप फॉर्मेट के ऊपर जाइए और यहाँ से भी आप लोग डिफॉल्ट विड्थ या ऑटो फिट कॉलम विड्थ ये कमांड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी कॉलम की जो विड्थ है इसी के आधार पर ये एडजस्ट हो जाएगी, बराबर है। और आप लोग वैसे चाहे तो यहाँ पर दो बार भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से ये कमांड भी अप्लाई करवा सकते हैं। तो फिर से हम लोग क्या करते हैं, देखो ये हमारी कॉलम की विड्थ है और इसी को हमें एडजस्ट करना है, तो आप लोग यहाँ से ऑटो फिट कॉलम विड्थ भी अप्लाई करवा सकते हैं। तो मैंने आपको सभी वे से कॉलम की विड्थ इंक्रीज डिक्रीज कैसे करनी है वो सिखा दिया है। आप लोग सबसे आसान तरीका तो यही है कि आप लोग यहाँ पर डायरेक्टली दो बार क्लिक कर दें तो आप जल्दी से ये आपकी कॉलम की विड्थ एडजस्ट कर पाएंगे। तो इसी के आगे का एक कमांड है, देखो यहाँ से ध्यान से देखो, तो ये कमांड है डिफॉल्ट विड्थ। तो वैसे आपको जानना है कि कोई भी आपकी कॉलम है इसी का डिफॉल्ट विड्थ क्या है, तो ये जानने के लिए जैसे आप लोग यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कॉलम की डिफॉल्ट विड्थ होती है 8.43, है ना। तो जब आप लोग ये कॉलम है और इसी को आपको डिफॉल्ट विड्थ में लाना है तो आप लोग क्या करेंगे, यहां पर जाएंगे और ये जो कॉलम विड्थ है वहां पर अब आपको टाइप करना होगा 8.43 और जैसे हम लोग ये ओके बटन पर क्लिक करेंगे या एंटर की प्रेस करेंगे तो ये कॉलम की विड्थ वैसे डिफॉल्ट हो जाएगी। तो वैसे भी आप लोग ये कमांड की प्रैक्टिस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरे वीडियो ट्यूटर को पॉज करो और जो मैंने अभी वीडियो ट्यूटर के अंदर सिखाया है ये प्रैक्टिस पूरी कर लो। इसी के आगे देखो हमारे पास ये कमांड है, तो ये सारे कमांड तो अभी हमने पूरा कर लिया है। तो आगे है हाइड एंड अनहाइड। अगर आप चाहते हैं तो आपकी रो या कॉलम या सीट को भी हाइड कर सकते हैं। देखो यहाँ पर ध्यान से, अभी ये हमारे पास रिकॉर्ड है किरण खैर, तो ये रो आपको पूरी हाइड करनी है। आप ये रो सिलेक्शंस में ले लें और सिलेक्शंस कर लेने के बाद आपको फॉर्मेट पर जाना होगा और यहाँ से आप हाइड और यहां से हाइड रो, यानी आपने जिस रो को सिलेक्शन में लिया है ये रो आपकी हाइड हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहां पर ये जो हमारा रोल नंबर है 160104 और इसी के बाद में 105 आना चाहिए, लेकिन ये रो हमारी हाइड है। आपको वैसे भी पता चल जाएगा, देखो ध्यान से देखेंगे आप लोग तो ये हमारी जो रो हेडिंग है वहां पर 7 के बाद 9 आ गया है, तो यहां पर ये जो बीच में 8 रो है वो हमारी हाइड है। अगर आपको ये रो अनहाइड करना है तो आप लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट पर जाएंगे और यहां से ये हाइड और यहां से ये जो अनहाइड रो कमांड है इसी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो रो है वो अनहाइड हो जाएगी। तो इसीलिए आपको क्या करना होगा, जिस रो हेडिंग के बीच में आपकी रो आपने हाइड की है ये दोनों को आपको सिलेक्शंस में ले लेना होगा और यहां से फॉर्मेट में जाना होगा हाइड और यहां से अनहाइड रो, तो ये अनहाइड हो जाएगी, वापिस आ जाएगी। तो आप वैसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप एक से ज्यादा रो को हाइड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना हो, देखो वैसे आप एक से ज्यादा यानी मल्टीपल रो आपको सिलेक्शंस में ले लेनी होगी और यहां पर आपको फॉर्मेट में जाना होगा और यहां से आपको हाइड और हाइड रो जैसे आप लोग करेंगे तो यहां से आप लोग देख सकते हैं नाउ 8, 9 और 10 ये 3 रो हमने हाइड कर दी है। और अगर आपको वापस लानी है आपको ये दोनों रो को सिलेक्शंस में लेना होगा जो अभी विजिबल है और यहां से आपको फॉर्मेट में जाना होगा, यहां से आप लोग हाइड और अनहाइड रो ये कमांड पर क्लिक करेंगे आपकी रो वापस आ जाएगी। ठीक वैसे ही अगर आपको कोई कॉलम को हाइड करना है तो आप लोग कॉलम भी हाइड करवा सकते हैं, जैसे कि हमें ये टोटल वाला कॉलम को आपको हाइड कर देना है तो आप लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट पर जाएंगे, यहां से हाइड एंड अनहाइड और यहां से हाइड कॉलम, तो ये कॉलम आपकी हाइड हो गई है। अगर आपको ये देखो अब यहां से ध्यान से देखना ई के बाद एफ आएगा लेकिन यहां पर डायरेक्ट जी है। अगर आपको आपके कॉलम वापस देखनी है तो आपको क्या करना है, ठीक जैसे आपने रो में सीखा था आपको दोनों कॉलम को सिलेक्शंस में ले लेना होगा और यहां से फॉर्मेट में जाना होगा,
हाइड एंड अनहाइड पर पॉइंट करना होगा और यहां से अनहाइड कॉलम जो ये कमांड आप अप्लाई करेंगे तो आपने जिस कॉलम को हाइड किया था वो वापस आ जाएगा। तो फ्रेंड्स जैसा मैंने अभी आपको वीडियो ट्यूटर के अंदर सिखाया है ठीक वैसा ही एक बार प्रैक्टिस पूरा कर लो। अब इसी के आगे आपको अगर ये पूरी सीट हाइड कर देनी है, देखो ध्यान से ये हमने सीट टू अभी एक्टिवेट कर ली है और ये सीट हमें हाइड कर देनी है, आप लोग फॉर्मेट में जाएंगे और यहां से हाइड और हाइड सीट जो ये कमांड है इसी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं यहां पर सीट टू हमने अभी हाइड कर दी है, आपका डेटा है सीट टू के ऊपर तो ये डेटा भी हाइड हो जाएगा। अगर आपको वापिस ये सीट देखनी है तो आप लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट पर जाएंगे, यहां पर हाइड एंड अनहाइड और यहां पर अनहाइड सीट तो आपको वापस देखना है तो यहां पर आपको ये मैसेज आएगा तो आपको कौन सी सीट अनहाइड करनी है। आपने तो अभी एक ही सीट अभी हाइड की थी इसीलिए यहां पर एक ही सीट का नाम आता है। अगर आपने एक से ज्यादा सीट को हाइड करके रखा है तो इनमें से आपको कौन सी सीट को अनहाइड करना है ये आपको यहां से सिलेक्शंस में लेना होगा और सिलेक्शंस कर लेने के बाद जैसे आप लोग ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी सीट वापिस आ जाएगी। तो वैसे आप लोग पूरी सीट को भी हाइड या अनहाइड करवा सकते हैं। इसी के आगे ये जो आपकी सीट है देखो यहां से ध्यान से बराबर है और यहां पर आप फॉर्मेट में जाएंगे और ये सीट का नेम अगर आपको चेंज करना है तो आप लोग रिनेम सीट के ऊपर जब जाएंगे तो यहां पर ध्यान से देखो अब आप आपकी सीट को कोई नाम भी दे सकते हैं। तो अभी हम लोग यहां पर ये सीट का नाम देते हैं सीट वन के बजाय MARKSHEET मार्कशीट। तो वैसे आप सीट का नेम भी चेंज करवा सकते हैं। अगर आपको यही कमांड अप्लाई करना है तो आप लोग हमारे पास एक और भी वेज है, आपको क्या करना है ये जो मार्कशीट है तो उसी के ऊपर दो बार क्लिक करना होगा, ध्यान से देखो एक दो बराबर है। तो अब आप लोग यहां पर ये सीट का नाम चेंज करवा सकते हैं अगर आपको चेंज करवाना है तो हम लोग क्या करते हैं देखो यहां पर मार्कशीट का नाम अब हम लोग चेंज करते हैं और हम यहां पर लिखते हैं ADMCA मार्कशीट। तो आप लोग वैसे भी ये सीट का नाम चेंज करवा सकते हैं और इसी के आगे आप फॉर्मेट में जाइए और यहां से आप मूव और कॉपी सीट ये कमांड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोग आपकी जो सीट है इसी को मूव भी करवा सकते हैं और कॉपी भी करवा सकते हैं। अगर आपको ये कॉपी करवाना है तो कॉपी के ऊपर क्लिक करें और यहां से मूव टू एंड यानी कि ये जो ADMCA मार्कशीट जो अभी है ये मार्कशीट है इसी का एग्जैक्ट एक कॉपी हमें चाहिए दूसरा। तो आपको क्या करना है ये टिक मार्क ऑन कर देना है और आपको ये जो नई कॉपी आएगी वो कहां पर देखनी है तो सीट टू के पीछे यानी मूव टू एंड यानी यहां पर देखना है, ध्यान से देखो ये मेरा माउस, तो आपको करना है मूव टू एंड और जैसे आप लोग ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो देखो यहां पर ADMCA मार्कशीट टू आ गई है क्योंकि ADMCA मार्कशीट वन तो है और दोनों पर आपको सेम डेटा देखने को मिल जाएगा क्योंकि ये कॉपी है हमारी। तो आप लोग वैसे ये आपकी जो सीट है इसी का कॉपी भी कर सकते हैं। इसी के आगे देखो अगर आपको ये टैब का कलर चेंज करना है तो आप लोग टैब का कलर भी चेंज करवा सकते हैं। तो अभी हमें क्या करना है देखो ये कलर अप्लाई करना है ब्लू, तो जैसे आप लोग ये कमांड के ऊपर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं ये जो हमारी सीट है इसी का कलर चेंज हो गया है। वैसे ये सीट होती है इसी का कलर वैसा ही आता है, अगर आप चेंज करवाना चाहते हैं तो चेंज भी करवा सकते हैं जैसा मैंने अभी यहां पर करवाया है ठीक वैसे ही। तो इसी के आगे देखो यहां पर फॉर्मेट के अंदर जाते हैं, अगर आपको प्रोटेक्ट सीट करनी है लॉक सीट करनी है तो ये कमांड हम लोग जब आगे ये हमारा व्यू ये कमांड है तो ये टैब जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इसी टाइम हम लोग ये प्रैक्टिस पूरी कर लेंगे। देखो यहां पर रिव्यू है तो आगे वाले वीडियो के अंदर हम लोग ये प्रोटेक्शन करना सीखेंगे तब मैं आपको सिखाऊंगा। तो अभी तक मैंने आपको जो अभी सिखाया है इसी का आपको प्रैक्टिस पूरा कर लेना है।